तो आज मैं आपको लेकर आ गया जमशेदपुर के फेमस एमबीए मटका हांडी मटन वाले पे। इनका जो मटका मटन है पूरे जमशेदपुर में बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी में बड़े बड़े मटकों में लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इनके मटका मटन की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। एमबीए मैंने जयपुर से किया है, शुरू से ही था कि मुझे बिजनेस करना है। पहले एमबीए किया, उसके बाद मैंने 5 से 6 साल मैंने जॉब किया है। तो हांडी मटन के लिए हमारे हांडी नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े मटके लाए जा रहे हैं। तो टोटल 6 बड़े बड़े मटके यहाँ पे आ चुके हैं और उसमें हमारा यहाँ पे हांडी मटन लगाया जाएगा। तो भैया आज कितना मटन लगने जा रहा है और कितने मटके में लगेगा? आज 6 मटका है, मटन 12 kg आपका लग रहा है। हरेक हांडी मटके में आपका 2 kg आपका रहता है। मेरा हिमांशु प्रियदर्शी नाम हो गया, देखिए मुझे अप्रोक्स 2 साल हो गए यहाँ पे। जो प्योर जो चंपारण बोला जाता है वो कोई नहीं बनाता था जमशेदपुर में। हम लोग का जो हांडी रहता है औरों के कंपेयर में देखिएगा बहुत बड़ा साइज रहता है। हम लोग का कम से कम 2 kg एक हांडी में बनता है, जिसमें हम लोग एक एक अपना गोटा लहसुन डालेंगे। उसके बाद फिर आप देखिएगा सूखा मिर्चा यूज नहीं करते, बिल्कुल हरा मिर्चा यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पेट में जैसे अभी तीखा खा लिए सुबह में आपको पता चलता है, वो चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मिट्टी इसलिए हम लोग लगाते हैं ना, एक तो आपका एक लेयर मोटा हो जाता है, बाई चांस आपका आग ज्यादा तेज हो तो वो आपको सोखेगा। मिट्टी की वजह से सुगंध थोड़ा अंदर में ज्यादा अच्छा होता है। देखिए पहले हम लोग हर एक चीज को वेट करेंगे, ठीक है? आपका जैसे ऑनियन हो गया, ये आपका 1200 ग्राम के करीब जाएगा। अच्छा, एक हांडी के लिए टोटल चीज आपको वेट करके होगा। लहसुन और ये मिर्चा का पेस्ट है, हम लोग आधी नहीं यूज करते। उसके बाद ये फिर नमक का है, ये भी आपका 60 ग्राम के करीब। ये मेन चीज है, ये मेरा मसाला, ये आपका मेरा तीनों चीज मिल गया। ये आ गया ऑयल, इसमें आपका घी मिक्स रहता है। इसमें पहले क्या हो गया, तेल को खौलाया जाता है, 30 से 40 मिनट कंटिन्यू तेल को फैलाया जाता है। उसके बाद उसमें आपका घी डाल के हम लोग रखते हैं। अब ये पूरा मिक्स होगा, तो मसालों को ऑयल को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मटन आ चुका है। अप्रोक्स 32 पीस के करीब आते हैं। हाँ, पीस भी देखोगे जो हम लोग का छोटा नहीं रहता, कंपेयर में आपका बड़ा साइज ही मिलेगा। तो मटन को प्याज और मसालों से अच्छे से मिक्स किया जा रहा है और अब इसके बाद इसको मटके में भरा जाएगा। इसमें भी एक तेल डालेंगे, फिर ये अच्छे से इसको अंदर कर लेंगे कि वो चिपके नहीं, ठीक है? अब क्या होगा कि इसमें एक भी प्याज इसमें अगर चिपक गया तो वो आपका पूरा टेस्ट खराब कर देगा। तो मटके में ऑयल डाल दिया गया था और अब इसमें हमारा मटन डाला जा रहा है। हम लोगों क्या है कि थोड़ा सा भी पानी यूज नहीं करते हैं, हम लोग देखेगा एक बूंद भी पानी हम लोग नहीं डाले अभी। तो जो मटन पकता है खुद से पकता है ये? हाँ, ये पूरा जो प्याज हो गया, प्याज में थोड़ा हल्का नमी रहता ही है, उसके बाद ये ऑयल हो गया, इसी के थ्रू पूरा आपका हांडी पकेगा। ये आपका फिर सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो प्रोसेस ऐसे रिपीट किया जाएगा और मटकों को यहाँ पे भरा जाएगा। अगर पहले हम लोग डालते हैं ना तो जैसे अभी तुरंत प्याज डालाता है तो क्या है कि वो प्याज चिपकेगा नहीं, थोड़ा हांडी हल्का सा नमी रहता है कि वो प्याज इसमें चिपके नहीं। तो भैया मैंने सुना आपको लोग यहाँ पे मटका मटन वाला भी बोलते हैं। नहीं, ज्यादातर तो हम लोगों के नाम से ही जानते हैं, हिमांशु के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। ये सेम रिपीट प्रोसेस है, फिर आपका चारों मटन करते हैं ना चिकन करते हैं। मेरा आप 6 रहे, हांडी रेडी हो गया, अब इसको मैं हम लोग सील करने वाले हैं। तो फाइनली देखो तो हमारी 6 हांडी लग के यहाँ पे रेडी हो चुकी है मटन के साथ और एक एक करके इस पे ढक्कन लगा के इसको सील किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 की 6 हांडी पे ढक्कन लगा दिया गया है और अब इसको सील कर दिया जाएगा आटे के साथ। जो पहले अच्छे से जो गैप है वो फिल कर लेते हैं। तो बाहर से देखो तो पूरे आटे की रेल लगा दी है, अच्छे से इसको सील कर दिया गया है। जब हम लोग रोटेशन करते हैं तब हल्का सा वो गैप आएगा और वो जरूरी भी है क्योंकि अगर अंदर से एयर नहीं निकलेगा तो हांडी फटने का डर रहता है। तो मटकों का साइज देखो कितना बड़ा है, हांडी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये। तो हांडी मटन तो मैंने बहुत बार बनते हुए देखा पर मटका हांडी पहली बार देखो, इतने बड़े बड़े मटकों में इसको रेडी किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा मटका हांडी मटन के लिए यहाँ पे कोयला डाला जा रहा है, तो एकदम बढ़िया से फैला के यहाँ पे कोयला डाल दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे रखे जाएंगे मटके। तो कोयला हमारे यहाँ पे अच्छे से जल चुका है। बड़े हांडी में क्या, पहले के जमाने में जाओगे तो बड़े हांडी में बना करता था, इसमें क्या होगा कम्प्लीट ये ढक्कन पैक होता था, ये ढक्कन खुलता भी नहीं था, वो आपका अंदर में ही पूरा प्रिपरेशन होगा। अभी के क्या टाइम में देखोगे आप, एक तो छोटा हांडी उसमें चम्मच वो चला रहे, एक रहेगा जो पैक रहेगा उसमें वो कम्प्लीट पक रहा है, उसका बात अलग होता है। तो देखो 6 के 6 मटके हमारे यहाँ पे अंगारों पे आ चुके हैं। अभी भी हांडी को पूरा रोटेट किया जा रहा है, जैसे क्या है आप एक जगह कम्प्लीट रहेगा तो वो थोड़ा सटने का डर रहता है, इसलिए उसको अंदर में रोटेशन करना जरूरी होता है, एकदम परफेक्शन से काम करना पड़ता है। इसमें क्या है ना कि आप सोच रहे हो कि 1 मिनट लेट भी करके हिलाए तो वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मटके को एक एक करके चलाया जा रहा है, तो ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो मटके में मटन है अच्छे से पक जाए। तो फाइनली देख सकते हमारा मटन लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब मटके को यहाँ पे निकाला जा रहा है। हम लोग अभी कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, ये थोड़ा देखिएगा अभी पूरा खोल रहा होगा अंदर से। तो फाइनली देख सकते हो हमारा मटन बन के रेडी हो चुका है, आटे को हटाया जा रहा है और एकदम गर्मा गर्म देख सकते हो इसमें से भाप निकल रही है। तो बड़े से मटके में हमारे यहाँ पे चंपारण मटन लग के रेडी हो चुका है, खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। तो
सबसे ज्यादा लोग क्या डिमांड करते हैं यहाँ? ज्यादातर मोटा सीना और नली। तो हमारी यहाँ पे मटन की प्लेट लगने जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे राइस आ चुके हैं, तो हमारा हांडी से मटन लगने जा रहा है, तो दो पीस हमारे मटन के यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनली जमशेदपुर का फेमस मटका मटन यहाँ पे लग चुका है और एकदम बड़े से मटके में इन्होंने मटन रेडी किया है। तो जिससे ये इनकी प्लेट 180 रुपए की प्लेट रहती है, जिसमें कि आपको राइस मिल जाएगा, सैलेड मिल जाएगा और दो पीस मटन। एकदम बढ़िया सी ग्रेवी रेडी किया है, देख सकते हो कितना बढ़िया इसमें रोगन आ रहा है। तो थोड़ा सा मटन राइस के ऊपर डाल लेंगे। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। मटन की ग्रेवी काफी अच्छी बनी हुई है, इन्होंने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, काफी अच्छे से पकाया गया है। मटके को बिना खोले इन्होंने इसमें मटन अच्छे से पका दिया है, मटन काफी अच्छे से गल चुका है। तो अगर आप भी जमशेदपुर रहते हो, विजिट कर रहे हो, बढ़िया सा मटन खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इनका मटन टेस्ट कर सकते हो। चंपारण मटन 180 रुपए की थाली मिलेगी, जिसमें आपको दो पीस मटन के मिल जाएंगे, साथ में राइस मिल जाएगा, सैलेड मिल जाएगा। अगर आपको एक किलो मटन चाहिए तो उसका प्राइस है 1100 रुपए। आपको वो होम डिलीवरी भी हो जाएगी, आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो, स्विगी से भी। आपकी शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? 11 से रात के 10 बजे तक हम लोग रहते हैं। जमशेदपुर में एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे है ये? चंपारण मीट हाउस के नाम से ही रहेगा आपका, न्यू सिविल कोड गेट नंबर 2। तो अगर आप भी जमशेदपुर रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया से मटन खाना चाहते हो, तो एमबीए वाले भाई का यहाँ पे मटका मटन जरूर टेस्ट कीजिए। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।